गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल वर्ड टू सक्सेस में आपको अगेन जो वेलकम है। आज जो मेरा टॉपिक है वह है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है जो कि बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें बहुत सारे बंदों को काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो इस टॉपिक को मैं आज थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। और इसमें जो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक तो एक मेथड जो है हम सब लोग जानते हैं, और दूसरी उसको एक इजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका दो तरीका क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे जो पहला तरीका है वो इस प्रकार है, जैसे हम सीआई को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीआई का जो प्रिंसिपल है वो है इस तरह की है, पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड टू द पावर एन माइनस पी। इस तरह कुछ ये जो फॉर्मूला के जरिए हम जो है सीआई को आज तक निकालते आए हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका जो एक इजीएस्ट तरीका है उस तरीका से इसको निकाल के दिखाऊंगा, और उम्मीद करूंगा आप लोग सारे उस तरीका से जो है किसी प्रकार की जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर आपके सामने क्वेश्चन होता है तो उसी तरीका से उसको सॉल्व करें। चलिए जो तरीका बताता हूँ, मान लेते हैं हम टू इयर्स के लिए किसी प्रिंसिपल के ऊपर टू इयर्स के लिए दिया हुआ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टू इयर्स के लिए हम उसका सीआई निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। जैसे टू इयर्स का इस तरह है, देखिए ये टू इयर्स है, टू इयर्स का अगर हमको निकालना है, जो मैं दूसरी तरीका बताता हूँ, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरी तरीका जो है इसको टू इज टू वन या टू रेशियो वन करके इसको बोलते हैं, ये टू इयर्स के लिए होता है। इसको सिर्फ ये वाला को याद रखना पड़ेगा। ऐसे सिमिलरली जैसे थ्री इयर्स के लिए क्या होगा, थ्री इयर्स के लिए देखिए थ्री पहले आएगा, फिर ये दोनों को मिलाएंगे, थ्री इज टू, पहले ये दोनों को मिलाएंगे, ये भी हो जाएगा थ्री, टू वन जै थ्री, और लास्ट में रहेगा वन। इस तरह कुछ रेशियो है थ्री इयर्स के लिए, ये रेशियो है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फोर इयर्स के लिए, मान लेते हैं हमको फोर इयर्स का निकालना है, ये फोर इयर्स का रेशियो जो है इस तरह कुछ होगा। जैसे सबसे पहले फोर आएगा, ठीक है, जैसे इसमें ये दोनों को ऐड किया गया था, अभी ये दोनों को ऐड किया जाएगा, ये दोनों को ऐड किया जाएगा, थ्री थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ठीक है, इज टू, ठीक है। फिर ये दोनों को ऐड किया जाएगा, थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद जो है वन रहेगा। तो इसमें कुछ चीज़ कमन है, देखो जितना ईयर के लिए वो पहले रहेगा। जैसे इस टू ईयर के निकाला, इधर देखो टू पहले रहा, इधर थ्री ईयर के लिए निकाला, ये देखो थ्री जो है पहले आता है, और इधर फोर ईयर के लिए निकाले तो फोर पहले आएगा, और सारे का लास्ट में जो है वन होगा, सारे का लास्ट में जो है वन होगा। ऐसे ही देखिए हम अगर फाइव ईयर्स का निकालना है, हमको फाइव ईयर्स का निकालना है, तो देखिए पहले फाइव आएगा जिस तरह जैसे मैंने बताया, फिर ये दोनों को ऐड किया जाएगा, देखिए फाइव इज टू, फाइव इज टू हो गया ये, उसके बाद ये फोर और सिक्स को मिलाया जाएगा, टेन हो जाएगा, यहाँ पे टेन हो गया, फिर इज टू, देखिए फिर ये सिक्स और ये फोर को मिलाया जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर टेन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इज टू रहेगा, फिर ये दोनों को मिलाए जाएंगे, फोर और वन कितना हो जाएगा, फाइव, और लास्ट में जैसे बताया था वो वन रहेगा, ठीक है, ओके। चलिए तो अभी सिमिलरली सिक्स ईयर्स का भी मैं लिख दूँ, यहाँ पे सिक्स ईयर का क्या हो जाएगा, सबसे पहले सिक्स रहेगा, फिर इज टू क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे, फाइव और टेन होके फिफ्टीन हो जाएंगे, फिर इज टू रहेगा, फिर ये टेन टेन दोनों मिल जाएंगे, टेन प्लस टेन कितना हो जाएगा, ट्वेंटी हो जाएगा, ठीक है, फिर इज टू हो जाएगा, फिर ये जो टेन और फाइव ये मिलके कितना हो जाएंगे, फिफ्टीन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये फाइव और वन मिल जाएंगे, कितना हो जाएंगे, ये सिक्स हो जाएंगे, और लास्ट में जो रहेगा वो रहेगा वन। इस तरह कुछ जो रेशियो की माध्यम से भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों,
तो एक जो है एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मान लेते हैं लेट पी इक्वल टू थाउजेंड, पी इक्वल टू कितना है थाउजेंड, एक प्रिंसिपल मनी जो है हम उसको थाउजेंड ले लेते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 10% लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कितना है 10% लेते हैं और टाइम जो है हम 3 ईयर्स लेते हैं, क्या लेते हैं टाइम कितना लेते हैं 3 ईयर्स का लेते हैं, 3 ईयर्स का। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाता हूँ, ठीक है। इसको हमको क्या निकालना है सीआई निकालना है, इसका क्या निकालना है हमको सीआई, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ये कितना है ये हमें निकालना है, ठीक है। और अभी देखिए जैसे अभी मेरे को कितना ईयर के लिए निकालना है 3 ईयर्स के लिए निकालना है, तो 3 ईयर्स के लिए देखिए 3 ईयर्स के लिए ये होता है, देखिए 3 ईयर्स के लिए जो है ये वाला जो हमको रेशियो को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला रेशियो को जो है हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप बोलोगे फिर तो इसको याद रखना पड़ेगा 3 ईयर्स के लिए, आपको सिर्फ एक 2 ईयर्स का याद रखना पड़ेगा, एक 2 ईयर्स अगर याद हो गया, 2 ईयर्स का 2 is to 1 है, उससे हम 3 ईयर्स का निकाल सकते हैं, 4 ईयर्स का निकाल सकते हैं, 5 ईयर्स का निकाल सकते हैं, 6 ईयर्स का भी इस तरह हम निकाल सकते हैं। आपको याद सिर्फ 2 ईयर्स का रखना है जो कि 2 is to 1 है, ठीक है। तो ये 3 ईयर्स का जो रेशियो है, देखिए यहाँ पे ये जो 3 ईयर्स का रेशियो को हमको 3 ईयर्स का निकालना है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, कितना है 3 ईयर्स की रेशियो, देखिए 3 is to 1 है, ये है, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा मैं आगे करता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ओके देखिए अभी हमको निकालना है 3 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालना है, जब 3 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालना है जो हमारा प्रिंसिपल मनी ये है, ये देखिए जो प्रिंसिपल मनी है, ये जो प्रिंसिपल मनी है इसका हम जो प्रिंसिपल मनी है ये जो मनी का हम क्या करेंगे परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है ना, हम पहले जो प्रिंसिपल मनी का फर्स्ट टाइम देखिए ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम एक बार क्या हो जाएगा, ये जो 1000 है प्रिंसिपल मनी उसका निकालेंगे, देखिए 1000 उसका 10%, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो ये देखिए 10% मीन्स 10 by 100, तो ठीक है इसमें 2 शून्य काट दीजिए, इसमें 2 शून्य कट दिए, इसमें 2 शून्य, तो इसमें 2 शून्य कट जाएंगे, तो टोटल कितना हो गया 10 बचा, 10 × 10 हो गया 100, ठीक है इस तरह कुछ हो गया। तो अभी देखिए फिर दोबारा जो है ये जो 100 हमको मिला इसको हम इस फास्ट वाला 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फास्ट वाला 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा फिर सेकेंड टाइम हम क्या निकालेंगे, ये देखिए सेकेंड बार में ये 100 का निकालेंगे, ये वाला जो 100 है 100 का फिर 10% निकालेंगे, देखिए ये जो 100 है 100 का 10%, ठीक है 10% मीन्स 10 by 100, ठीक है दोस्तों। अच्छा तो ये 100 को 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो अभी कितना बचेगा यहाँ पे, ये देखिए 100 को 100 कट जाएगा, 100 को 100 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 10, कितना बचेगा दोस्तों, ये देखिए 10 बचा, तो ये 10 को इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी ये सेकेंड टाइम हो गया, ये 3 ईयर्स है तो हमको 3 बार निकालना है, 3 बार जो है परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अभी थर्ड टाइम पे जो परसेंटेज हमको निकालना है वो 10 के ऊपर निकालना है, ये वाली जो 10 है ये 10 के ऊपर 10% हमको निकालना है, 10% मीन्स देखिए ये कितना हो गया, 10% मीन्स 10 by 100, तो देखिए यहाँ पे 1 शून्य इसमें काट दीजिए, ये 0 इसके साथ काट दीजिए, कितना बच गया यहाँ पे, देखिए दोस्तों 1 कितना बचा, 1 बचा है, ठीक है ये जो 1 बचा है, ठीक है ये 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए 3 में ये जो 100 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 300, कितना आया 300, फ्लिप इसको प्लस कर देंगे, फिर ये 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, फिर प्लस करेंगे ये 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 है, तो इसको अगर जोड़ देते हैं 330 ये प्लस 1 कितना हो जाएगा 331 है, ठीक है यही इसका आंसर है, क्या है आंसर, जो ये देखिए इसमें जो हमने सीआई मांगा था, सीआई निकालने के लिए बोला था, सीआई कितना हो गया 331, ये है आंसर, ठीक है समझ आया।
अच्छा अभी इसको आपको जो हमारा जैसे कि जो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के तहत भी आप करके देख सकते हैं, एक्यूरेट 3331 आएगा। इसको मैंने भी प्रूव करके देख चुका हूँ, ठीक है, आप भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसको क्या करता हूँ, और एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सारी चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी मानते हैं लेट क्या है, पी इक्वल टू 1000 वही 1000 लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना लेते हैं 10% लेते हैं, और टाइम को कितना लेते हैं, जो टाइम है उसको 3 ईयर्स की जगह अभी हम 4 ईयर्स कर देते हैं, कितना करते हैं हम 4 ईयर्स कर देते हैं। देखिए इसको मैंने 4 ईयर्स कर दिया, ठीक है। अच्छा अभी हमको क्या निकालना है, इसका इसका CI निकालना है, क्या है इसका CI कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। देखिए अभी जो CI का, जैसे मैंने बताया था जो रेशियो के माध्यम से जो बताया था, जो चीज़ बताया था, देखिए यहाँ थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो 4 ईयर्स का जो रेशियो है, ये 4 ईयर्स का रेशियो क्या था, 4:6:4:1 ये इस ये था। तो इसको मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही रेशियो को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। 4 ईयर्स का रेशियो क्या है, ये देखिए 4 ईयर्स का रेशियो, तो उसको यहाँ पे लिखता हूँ, 4 ईयर्स का जो रेशियो है वो है इस तरह, क्या है देखिए, ये है 4:6:4:1 है। चलिए दोस्तों अभी क्या है, इसका जो प्रिंसिपल मनी है, इस प्रिंसिपल मनी को, प्रिंसिपल मनी को जो हम इसका इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, चलिए इसका 10% निकालते हैं प्रिंसिपल मनी के ऊपर फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसको फर्स्ट टाइम के लिए देखिए, ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम में देखिए हमारा कितना है 1000 के ऊपर 10% दैट मीन्स 10/100, ठीक है। इसमें 2 शून्य काट देते हैं, इसमें 2 शून्य काट देते हैं, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 बचा है, ये 10 × 10 10 × 10 10 × 10 100, तो 100 आया। तो ये जो 100 आया यहाँ पे देखिए, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 से क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अभी जो रिजल्ट निकला है 100, ये 100 का भी सेकेंड टाइम जो है, ये इस वाला 100 का हम सेकेंड में हम क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे। ये जो 100 निकला है, तो 100 का जो है 10%, दैट मीन्स 10/100, 100 को ये 100 कट जाता है तो बच जाता है 10, ठीक है, तो होता है 10। ये जो 10 को ये वाले देखिए, ये यहाँ पे ये 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये 4 ईयर्स का है, इसलिए हमको 4 टाइम जो है इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है, 4 टाइम्स। अभी देखिए जब सेकेंड टाइम हमने किया, हमको रिजल्ट कितना आया था, उसमें 10 आया था, इस 10 का फिर हम 10% निकालेंगे, इस 10 का हम फिर 10% निकालते हैं, ठीक है। देखिए ये है हमारा थर्ड टाइम, थर्ड टाइम में क्या होगा ना, 10 का 10% ये हो गया 10, ये वाली 10 जो हो गया ये 10, तो उसका 10% 10/100, ये देखिए 100 में देखिए 10 इससे काट दीजिए, 10 इससे काट दीजिए, बचता है कितना 1, कितना बचा ये देखिए 1। ये जो 1 को हम, ये जो 4 यहाँ पे देखिए, ये जो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी कितना 3 टाइम हो गया, अभी 4th टाइम भी देखना है, ठीक है। ये जो 4th टाइम में ये जो 1 है, 1 का निकालना है हमको 10%, 1 का क्या निकालना है 10%, 10% मतलब 10/100, ठीक है। यहाँ पे 10 को 10 काट देते हैं, तो 1/10 जो है ये बचा कितना, 1:1 = कितना हो गया 1, 1/10, 1/10 हो गया, तो 1/10 का जो ये डेसिमल फॉर्म में आएगा इसको लिखेंगे 0.01, ठीक है। और ये जो 0.01 आया इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0.01 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 0.01 का क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ओके। अब इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके इनको सबको मिलाते हैं कितना होता है देखते हैं। देखिए 4 में 100 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 में ये 100 को, तो आएगा 400, कितना आएगा 400, प्लस ये 6 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है, प्लस ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अच्छा, फिर प्लस ये 1 को 0.1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना निकलेगा
वही 0.1 निकलेगा। कितना निकलेगा? 0.1, इसको हम 0.1 भी कहते हैं। अभी देखिए इसको हम ऐड कर देते हैं, इसको क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। ये देखिए 400 से 60 को ऐड करने से 460 में फिर 4 ऐड करने से कितना हो जाएगा 464, ठीक है। और उसके बाद जब ये 0.1 को ऐड करेंगे तो किस क्या हो जाएगा, ये देखिए 464.1 इस तरह हो जाएगा। 0.1 मतलब ये 10 पैसा, इसको हम जीरो भी लिख सकते हैं, दाहिने तरफ एक जीरो भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा CI, रिक्वायर्ड CI, यही है आंसर। ये क्या है? आंसर है। तो हमारा CI कितना हुआ, ये जो CI मांगा था CI इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ पे देखिए जो CI इक्वल टू हमारा कितना हुआ 464.10 पैसे, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड CI है, ठीक है ना। इसको भी आप जो हमारा जो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला बताया गया है, जो कि मैंने पहले बताया, ये जो फॉर्मूला है, ये वाली जो फॉर्मूला है, देखिए ये वाली जो फॉर्मूला के तहत भी आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने एक जो नया तरीका, जो एक ईजीएस्ट वे मैं आप लोगों को बताया, ठीक है, ये आप लोगों के सामने मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आपके सामने आएगा या क्वेश्चंस वगैरह सामने आएगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोसेस के माध्यम से उसका सलूशन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ मेरा जो आज की जो टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।